हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन के क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं हेडिंग यहाँ लिख दिया हूँ, क्वालिटी फैक्टर ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DHO करके लिखते हैं, ये आपको पता ही है। क्लियर। अब देखिए, ये जो क्वालिटी फैक्टर होता है डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का, यह एक पैरामीटर होता है जो किसी भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटेड सिस्टम के डैम्पिंग को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। डैम्पिंग को डिस्क्राइब करता है, इसका मतलब क्या, अगर इस क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, जो सिस्टम का डैम्पिंग होगा वो कम होगा। और अगर सिस्टम का डैम्पिंग कम है, इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का सिस्टम है वो ज़्यादा देर तक ऑसिलेट करेगा। और अगर सिस्टम ज़्यादा देर तक ऑसिलेशन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि जो उस सिस्टम में एनर्जी लॉस है पर साइकिल, वो क्या है, कम है। ओके, क्लियर हो रहा है ना। और यदि इस क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू कम है, इसका मतलब सिस्टम का जो डैम्पिंग होगा वो ज़्यादा होगा। सिस्टम का डैम्पिंग ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम का ऑसिलेशन है वो कम टाइम के लिए होगा। और अगर सिस्टम का ऑसिलेशन कम टाइम के लिए है, इसका मतलब क्या होगा कि उस सिस्टम में जो एनर्जी लॉस होगा पर साइकिल, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो इस तरीके से इस पैरामीटर के हेल्प से हम लोग डैम्पिंग वगैरह के बारे में क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। ओके, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज 2 पाई टाइम्स द रेशियो ऑफ एनर्जी, ऐसे होगा, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम टू द एनर्जी लॉस पर पीरियड, फुल स्टॉप। क्या लिखा गया है कि जो क्वालिटी फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई टाइम्स क्या करते हैं, जो रेशियो 2 पाई टाइम्स क्या होता है, रेशियो होता है किसका, एनर्जी जो सिस्टम में स्टोर होता है, और जो एनर्जी पर पीरियड क्या होता है, लॉस होता है। ठीक, क्लियर। अब इसको मैथमेटिकली भी हम लोग लिखेंगे। ठीक, फुल स्टॉप। इसका देखिए लिखा गया है, इट इज डिनोटेड बाई क्यू, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए क्या है, क्यू से डिनोट, क्यू से पहला लेटर है, इसी क्यू से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक, अब मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए क्या लिखा गया, दैट इज अर्थात क्यू इक्वल टू 2 पाई टाइम्स, यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, मतलब क्या है, 2 पाई टाइम्स किसका रेशियो है, एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम टू एनर्जी लॉस पर पीरियड। ठीक, इसी जो ये मैथमेटिकली लिखा गया यहाँ पर, इसी को कुछ ऐसे हम लोग ऊपर डिफाइन किए थे कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है, 2 पाई टाइम्स होता है, किसका रेशियो होता है, किसका, एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम टू द एनर्जी लॉस पर पीरियड। ठीक, वही लाइन देखिए ऊपर लिखा गया है, समझ में आया बात, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए, अगर हम मान लें इफ ई बी द टोटल एनर्जी ऑफ DHO, अगर जो हम लोग का सिस्टम है वो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, और उसका अगर टोटल एनर्जी क्या है, ई है, और फिर अगर मान लें और पी, जिसको हम लोग पावर डिसिपेशन भी कहते हैं, ठीक, पी को क्या मान ले रहा है, एनर्जी लॉस पर सेकेंड है, तो क्या होगा, देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, मान ले रहा है कि ई जो है हम लोग का, ये टोटल एनर्जी है जो सिस्टम में स्टोर है, और पी एनर्जी जो है ये पर सेकंड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है सिस्टम में। ठीक, इसी को पावर डिसिपेशन भी कहते हैं। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कैसे होगा, तो क्यू इक्वल टू 2 पाई एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम, उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये जो पी है ये क्या है, एनर्जी लॉस पर सेकेंड है, एक सेकेंड में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, पी लॉस हो रहा है, तो एक पीरियड में कितना होगा, मतलब पीरियड को अगर टी से रिप्रेजेंट करें तो टी इंटू पी के बराबर होगा। तो इसी को देखिए पी इंटू टी लिखे, चाहे टी इंटू पी लिखे, यही होगा। अरे भाई ऐसे आप पढ़ें ना कि 1 रुपया का अगर क्या है, 2 पेन है, तो 2 रुपया कितना पेन होगा, 2 इंटू 2 करके होगा, ऐसे आप पढ़ें। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर एक सेकेंड में क्या हो रहा है, पी एनर्जी लॉस हो रहा है, जिसको हम लोग पावर डिसिपेशन भी कर रहे हैं, तो टी पीरियड में क्या होगा, टी इंटू पी एनर्जी लॉस होगा। ठीक, यहाँ पर पीरियड लिखा गया है, तो टी क्या होता है, टी जो होता है ये तो टाइम पीरियड है। ठीक, तो पी इंटू टी करके लिख दिए, बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए जो पावर डिसिपेशन या जो एनर्जी लॉस पर सेकेंड होता है, उसको कुछ ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, ये देखिए पी क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाई ये क्या है, टाउ, टाउ को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ओके, टाउ क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं इधर, ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक, तो ये रिलैक्सेशन टाइम है, तो किसका यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, ऊपर क्या एनर्जी, तो एनर्जी लॉस पर सेकंड, वही क्या होता है, पावर डिसिपेशन। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पी से क्या किए, लिखे हैं। ठीक, तो चूंकि पी जो होता है पावर डिसिपेशन, वो ई बाई टाउ के बराबर होता है, जहाँ पर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। अगर इस वैल्यू को ला के पुट करें तो क्यू इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद ये लाइन लिखना है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई टाइम्स ई डिवाइडेड बाई ई इंटू टाउ,
डिवाइडेड बाई ई डिवाइडेड बाई टाउ इंटू टी है, ठीक, क्लियर। और फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये ई से ही कैंसिल हो जाएगा, टाउ ऊपर चला जाएगा, टी नीचे चला जाएगा, ठीक। अब देखिए क्यू इक्वल टू टू पाई बाई टी इंटू टाउ हो गया। अब ये जो टू पाई बाई टी होता है, ये टू पाई बाई टी होता है, यहाँ से बता दीजिए ये क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, ये चीज़ आप पीछे पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके जगह ओमेगा रख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। इस तरीके से क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इस रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में हम लोग को मिल जाएगा, ठीक। इस पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, ओके। अब देखिए ये रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिए होंगे। अब देखिए अगर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम का बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम वह टाइम होता है जिसमें सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है वह अपने मैक्सिमम एनर्जी का 1/E टाइम्स हो जाता है। बात समझ में आया, अगर सिस्टम का मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट है तो अगर वह टाइम जिसमें सिस्टम का जो एनर्जी है वह अपने मैक्सिमम एनर्जी का 1/E टाइम्स हो जाए, उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम वह टाइम होता है जिसमें सिस्टम का एनर्जी अपने मैक्सिमम एनर्जी का 1/E टाइम्स हो जाता है, ठीक। यहाँ पर ई नॉट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैक्सिमम एनर्जी है, ओके, क्लियर। इस तरीके से टाउ भी आपको क्लियर हो गया, हर एक टर्म क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि अगर ये टाउ का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा, और क्यू का वैल्यू ज़्यादा होने मतलब क्या होगा, जो डैम्पिंग होगा वो कम होगा, इसका मतलब सिस्टम में ऑसिलेशन क्या होगा, ज्यादा देर तक होगा, इसका मतलब सिस्टम में जो एनर्जी लॉस पर साइकिल होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो देखिए लिख दिए हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम, ओके, क्लियर। अब देखिए एक चीज आप और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्या हाई वैल्यू ऑफ क्यू इम्प्लाइज लो वैल्यू ऑफ डैम्पिंग फॉर द ऑसिलेटरी सिस्टम। जाहिर सी बात है कि अगर क्यू का वैल्यू हाई होगा इसका मतलब क्या है, जो डैम्पिंग है वो क्या होगा, लो होगा ऑसिलेटरी सिस्टम के लिए, ठीक। यहाँ से अगर रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर भी कम होगा, और अगर क्वालिटी फैक्टर क्या होगा आपका, कम होगा, इसका मतलब सिस्टम की डैम्पिंग हाई होगी, और सिस्टम की डैम्पिंग हाई होगी इसका मतलब ऑसिलेशन कम टाइम के लिए होगा, और ऑसिलेशन कम टाइम के लिए हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी लॉस पर साइकिल है वो क्या है, ज़्यादा है, क्लियर। इस तरीके से क्वालिटी फैक्टर वगैरह को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका यूनिट वगैरह क्या होगा, एक बार उसका भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लाया हूँ कुछ ऐसा फॉर्मूला निकला, यहीं से यूनिट को हम लोग डिसाइड कर ले रहे हैं। ये देखिए टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, और नीचे क्या है, टाइम पीरियड वगैरह है, ये भी क्या होगा, सेकेंड में ही आएगा, ये भी तो इसका भी यूनिट क्या होगा, सेकंड में होगा। तो ऊपर भी सेकंड, नीचे भी सेकंड, कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या आपका 2π क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वालिटी फैक्टर की होता है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक। इसका कोई क्वांटिटी वगैरह नहीं होता है, पहले बताएं कि क्या है, पैरामीटर है, ठीक, क्यों क्या है, पैरामीटर है, और ये क्या है, ये आपका डायमेंशन लेस है, ओके। इसका क्या है, कोई यूनिट वगैरह नहीं होगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेकंड, नीचे भी सेकंड, कैंसिल कर देंगे, 2π क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्यों क्या होगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ओके। इस तरीके से हम लोग क्वालिटी फैक्टर को समझ लिए, ओके। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लग रहा है कि इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, तो ज़रूर लाइक करिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को भी देते रहिए, ओके। आपके वैल्यूएबल फीडबैक से एनर्जी आता है, इससे क्या होता है, आदमी एनर्जेटिक होकर अगले लेक्चर को और अच्छे से बनाता है और अच्छा कंटेंट लाता है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।